नमस्कार, बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपने फाइबर प्लांट्स के रूप में कॉटन के बारे में स्टडी की थी। आज का अपन का जो नेक्स्ट वीडियो है वो जूट के बारे में है। तो जूट भी एक है जो फाइबर प्लांट है और इससे रेशे प्राप्त होते हैं। जूट का अगर अपन बॉटनिकल नेम देखें तो इसका बॉटनिकल नेम है जो कॉर्कोरस होता है। कॉर्कोरस स्पीसीज है और इसकी जो फैमिली है वो टेलियसी फैमिली है। और इसका जो वर्नेक्यूलर नेम है या देसी नाम है जो जूट या पटसन होता है। अब जो ये जूट जो कॉर्कोरस जीनस है उसके अंदर टोटली 42 स्पीसीज है, जिनमें से 36 स्पीसीज है जो अफ्रीका के अंदर है और 8 स्पीसीज है जो इंडिया के अंदर उगती हैं। और इन सारी स्पीसीज में से केवल 2 स्पीसीज ही हैं जो कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जूट भी है जो एक सेकंड इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर्स है, यानी कि कॉटन के बाद में दूसरा रेशेदार प्लांट है। जूट से जो होने वाला प्राप्त रेशा है वो मृदु या बास्ट फाइबर होता है। और अपने मृदु या बास्ट फाइबर के बारे में पढ़ा है कि जो फ्लोएम या पेरिसाइकल या कॉर्टेक्स से प्राप्त होने वाले रेशे हैं जो मृदु या बास्ट फाइबर कहलाते हैं। अब जो जूट के रेशे हैं वो कॉर्कोरस की 2 जातियों के स्टेम से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन सी 2 स्पीसीज हैं? कॉर्कोरस कैप्सुलरिस एंड कॉर्कोरस ओलिटोरियस। जूट का ओरिजिन सेंटर या जूट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जो जूट की कॉमर्शियली जो 2 स्पीसीज हैं, एक तो कॉर्कोरस ओलियोटोरिस टोरियस और कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। तो जो कॉर्कोरस ओलियोटोरियस हैं उसके 2 ओरिजिन सेंटर हैं। प्राइमरी ओरिजिन सेंटर है जो अफ्रीका को माना गया और सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर है जो इंडिया या इंडो बर्मा को माना गया है। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस का एक ही ओरिजिन सेंटर है इंडो बर्मा, ये अफ्रीका के अंदर नहीं पाई जाती है। अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो जूट का उत्पादन करती हैं? तो जूट उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 1947 से पहले इंडिया है। इंडिया के अंदर जूट का जो प्रोडक्शन है टोटल वर्ल्ड का 90% होता था, लेकिन 1947 के बाद में इंडिया का विभाजन हो गया, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए। तो टोटल वर्ल्ड का जो जूट का प्रोडक्शन है, टोटल वर्ल्ड का 80% जूट का प्रोडक्शन है जो भारत और बांग्लादेश में अब भी होता है। इसके अलावा चाइना है, बर्मा है, नेपाल है, ब्राजील है, ताइवान है और थाईलैंड है, ये भी जूट का उत्पादन करते हैं। बांग्लादेश है जो कच्चे जूट का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जबकि इंडिया है जो जूट उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इंडिया के अंदर है जो जूट है जो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा के अंदर है जो उगाई जाती है और इसको कैश क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। कैश क्रॉप का मतलब होता है इससे नकदी प्राप्त होती है। पूरे इंडिया का 60% जो जूट का प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। अब अपन जूट के बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो जूट की जो दोनों स्पीसीज होती हैं वो कल्टीवेटेड स्पीसीज है, यानी कि कॉर्कोरस कैप्सुलरिस एंड कॉर्कोरस ओलिटोरियस, ये दोनों स्पीसीज हैं जो कल्टीवेटेड होती है, यानी कि इनको ये कृषि योग्य जाती हैं। और इनके जो प्लांट होते हैं वो एनुअल यानी कि एक वर्षीय होते हैं, वुडी यानी कि काष्ठी होते हैं और अंडर सर्व यानी कि उपसूप होते हैं। और इनकी हाइट है जो 2 से 3 मीटर होती है। जूट के पौधों की जो पत्तियां हैं वो एकांतर क्रम में या अल्टरनेट अरेंजमेंट रहती हैं, स्टिप्यूलेट होती हैं, सिंपल और ओवेट यानी कि अंडाकार होती हैं। फ्लावर हैं जो इनका सॉलिटरी यानी कि एकल या 3 से 4 पुष्पीय समाकर्ष में व्यवस्थित रहता है। फ्लावर है जो छोटा येलो कलर का होता है, सहपत्री होता है, सवृंत होता है और उभयलिंगी होता है, यानी हर्मेफ्रोडाइटिस का मतलब मेल और फीमेल दोनों
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो एक ही पुष्प के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके फ्रूट को है जो कैप्सूल कहते हैं, और कैप्सूल है जो कोष्ठ विदारक होता है, यानी कि इसके अंदर है जो एक बीच में दरार पाई जाती है कैप्सूल के बीच में, तो वो दो कोष्ठ में डिवाइडेड हो जाता है। अब जो कैप्सूल है वो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस स्पीसीज के अंदर गोल व चोंच रहित होता है, जबकि कॉर्कोरस ऑडिटोरियस के अंदर कैप्सूल है जो दीर्घित 3 से 8 सेंटीमीटर लंबा और चोंचदार होता है। अब जो जूट के प्लांट की खेती के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, तो जूट है जो उष्ण व नम जलवायु में उगता है, तो इसके लिए टेम्परेचर है वो 24 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और एनुअल रेन है या वार्षिक वर्षा है जो 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो इन्वायरमेंट या वातावरण के अंदर जो ह्यूमिडिटी है या नमी है वो 70 से 90% होनी चाहिए। और प्लांट को उगाने के लिए जो सॉइल है तो कैसी होनी चाहिए, सॉइल है जो जलोड मिट्टी है जो इसके लिए सबसे उपयुक्त रहती है, जलोड मिट्टी या एलुवियल सॉइल। जलोड मिट्टी उसे कहते हैं जो जल के द्वारा बहाकर अपने साथ लाई गई मिट्टी को अपन जलोड मिट्टी कहते हैं, या इसके अलावा हल्की रेतीली या डेल्टी दुमट मिट्टी होती है वो भी इसके लिए उपयुक्त होती है, और इसके अलावा सॉइल की जो पीएच होनी चाहिए वो 6 से लेकर 7.5 होनी चाहिए। अब इसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं या इसकी खेती कैसे करते हैं, तो बुआई से पहले है जो खेत को 5 से 6 बार हल चलाकर जोता जाता है, फिर उसके अंदर गोबर की खाद और राख मिलाई जाती है। अब जो जनरली है जो बुआई है वो वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले है जो बीज को बिखेर कर की जाती है। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की बुआई है जो फरवरी से लेकर मार्च के बीच में की जाती है, जबकि कॉर्कोरस ऑलिटोरियस की बुआई है जो अप्रैल के मध्य तक की जाती है। अब इसकी निराई कैसे करते हैं या थाइनिंग कैसे करते हैं, तो जब बीज जर्मिनेट हो जाते हैं तो उसके बाद में जो इसकी निराई गुड़ाई है जो 2 से 3 बार की जाती है। फिर जो खेतों के अंदर इसकी फसल के अंदर खाद है तो जनरली गोबर की खाद और लकड़ी की राख दे सकते हैं। अब इसकी कटाई कैसे करते हैं, तो कटाई के लिए जब फसल का मैच्योरेशन पीरियड या परिपक्व समय है जो 60 से लेकर 90 दिन के बीच में होता है, तो इसकी कटाई कब की जाती है, तो इसकी कटाई है जो पुष्पन अवस्था में की जाती है, यानी कि जब पौधों के अंदर पुष्प लगने शुरू हो जाते हैं उस समय इसकी कटाई शुरू कर दी जाती है, और काटने के बाद में इसके पौधों के गट्ठर या बंडल बना लिए जाते हैं और उनको बांध लिया जाता है। अब जो जूट के फसल की कटाई के बाद में उनसे रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो उसका रेशों का निष्कर्षण या फाइबर का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो जो जूट का स्टेम होता है उसके द्वितीयक फ्लोएम से फाइबर को अलग करने की प्रक्रिया है जो एक्सट्रैक्शन या रेशों का निष्कर्षण कहलाती है। तो जूट के रेशे अपन को किससे प्राप्त होते हैं, स्टेम के सेकेंडरी फ्लोएम से प्राप्त होते हैं, यानी कि द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। तो रेशों को पृथक्करण की प्रक्रिया है जो अलग अलग चरणों में कंप्लीट होती है, तो इसमें सबसे पहले जो प्रोसेस है वो रेटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जो स्टेम होता है स्टेम से रेशों को ढीला करना और उनको पृथक करने की जो प्रक्रिया है वो रेटिंग कहलाती है। तो रेटिंग का मतलब समझ गए हैं कि रेशों को तन्ने की काष्ठ से ढीला व पृथक करने की प्रक्रिया जो रेटिंग कहलाती है, और ये प्रक्रिया है तो इसके अंदर है जो 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के अंदर कैसी प्रोसेस होती है, तो जो अपने बंडल बांधे थे उन बंडलों को 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है, तो धूप में सुखाने के बाद में इनके स्टेम पर जो लगी पत्तियां हैं वो सूखकर जड़ जाती हैं। फिर इन बंडलों को है जो तालाब के जल के अंदर डालकर दबा दिया जाता है, फिर तालाब के जल में डालकर दबाने से तो जो तालाब के अंदर अवायवीय जीवाणु उपस्थित होते हैं वो इनको सड़ाने का कार्य करते हैं, और इनमें इस प्रोसेस के अंदर जो मेनली बैक्टीरिया यूज होते हैं उनका नाम है क्लोस्ट्रिडियम पैक्टिनोवरम और क्लोस्ट्रिडियम फैल्सिनियम है जो मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, इन बंडलों को
तालाब के जल के अंदर ही सड़ाने लगते हैं, तो इनकी सेल से हैं जो पैक्टिन है, गोंद है, और इसके अलावा अन्य श्लेष्मी पदार्थ हैं, वो जल में घुल जाते हैं और जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो टिश्यू से अलग हो जाता है। अब जो सेकेंड प्रोसेस है वो है निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन, कैसे किया जाता है। तो जब वो जल के अंदर अपन बंडल डालते हैं तो, और बंडल गल जाते हैं या सड़ जाते हैं, तो उनको जल से बाहर निकाल कर मोगरी या हथौड़े के द्वारा उसको पीटा जाता है। तो पीटने से जो रेशे हैं वो अन्य टिश्यू से अलग हो जाते हैं। फिर वापस इनको एक बार जल के अंदर डालकर हिलाया जाता है तो रेशे जो टिश्यू से मुक्त हो जाते हैं, और फिर इन मुक्त रेशों को है जो धूप के अंदर सुखाया जाता है, और सूखे हुए बंडलों को है जो फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है, और वहां से वहां पर है जो इन रेशों के द्वारा अलग अलग उत्पादों का निर्माण किया जाता है। अब जो जूट की उन्नत किस्में हैं या इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं, उनका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो जूट रिसर्च सेंटर बैरकपुर, जो प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहां पर। इसके अलावा है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर है, जो इनके द्वारा है जो जूट की इम्प्रूव्ड वेराइटीज डेवलप की जाती हैं। कोरकोरस कैप्सुलरिस की इम्प्रूव्ड वेराइटीज के नाम है फंडुक, फुलेश्वरी, धलेश्वरी, JRC 212, JRC 7443, JRD 154 एंड JRC 1108। कोरकोरस ओलिटोरियस की जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है उसमें है तोसा, देसी, चिनसुरा, इसके अलावा JRO 524, JRO 7835, JRO 878 एंड JRO 620 है। अब जो अपन को जूट के रेशे प्राप्त होते हैं तो उनके लक्षण या गुण कैसे हैं? तो जनरली अपन को पता है कि जो जूट के रेशे होते हैं वो द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त होते हैं, और ये जो है द्वितीयक फ्लोएम के अंदर फाइबर स्ट्रैंड के रूप में पाए जाते हैं, और फाइबर स्ट्रैंड की जो लेंथ होती है वो 1.5 से लेकर 3 मीटर यानी कि 5 से 10 फीट होती है। और इस फाइबर स्ट्रैंड के अंदर जो फाइबर होता है, प्रत्येक फाइबर की जो लेंथ होती है वो 2 से 5 mm होती है। इन फाइबर का अगर अपन TS काटते हैं तो TS के अंदर इनका आकार है जो बहुभुजीय दिखाई देता है। अब जो फाइबर के अंदर जो कंपोनेंट है उनमें से 56 to 63% है जो इनके अंदर सेल्यूलोज होता है, 10 to 12% है जो लिग्निन होता है, और 22 to 26% है जो इसके अंदर सेल्यूलोज होता है, और कुछ मात्रा में गोंद, मोम और खनिज लवण भी है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। कोरकोरस कैप्सुलरिस का जो रेशा होता है वो सफेद रंग का होता है और अधिक उत्तम किस्म का होता है, और इन रेशों को या कोरकोरस कैप्सुलरिस को व्हाइट जूट के नाम से भी जाना जाता है। जबकि कोरकोरस ओलिटोरियस के जो रेशे होते हैं पीले, लाल या भूरे रंग के होते हैं, और कोरकोरस कैप्सुलरिस के रेशों की तुलना में कम उत्तम होते हैं और इन्हें टोसा जूट बोलते हैं। तो कोरकोरस ओलिटोरियस के रेशे को क्या बोलते हैं अपन? टोसा जूट। जबकि कोरकोरस कैप्सुलरिस के रेशे को अपन बोलते हैं व्हाइट जूट। अब जो जूट का यूजेज है वो कहाँ कहाँ पर होता है? तो जूट के जो रेशे हैं उनका यूज है जो बोरा वस्त्र उद्योग में टाट है, बोरा है, थैले बनाने में किया जाता है, इसके अलावा रस्से व सूतली बनाने में भी किया जाता है, कंबल, पर्दे, कालीन, सस्ते कपड़े आदि बनाने में भी किया जाता है। इनके बीज से जो तेल प्राप्त होता है उसका यूज है जो साबुन और पेंट उद्योग में किया जाता है। इजिप्ट और सूडान देशों में इनकी जो कोमल प्रो होती हैं उनको सब्जी के रूप में काम में लिया जाता है, तथा इनके जो तने के आधारी भाग होते हैं और उनके जो छोटे रेशे होते हैं उनसे है जो कागज निर्माण किया जाता है।